हम लोग अब सीखेंगे एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याओं का जोड़। दशमलव संख्याओं का जोड़ हम लोग कैसे बनाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दशमलव संख्याओं को हम लोग पढ़ते कैसे हैं। यह एक संख्या है, इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 21.325। ऐसा नहीं पढ़ना है 21.325, ऐसा पढ़ोगे तो गलत होगा। पढ़ना क्या है 21.325। ऐसा हम क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि दशमलव के बाद जो वैल्यू आ रहा है, दशमलव के बाद क्या आ रहा है 325, इसका वैल्यू एक से बहुत कम है, एक से बहुत कम है, मतलब आधा से भी कम है, मतलब एक का, यहाँ देखो 0.325, एक को यदि 10 भाग में बांट देगा तो ये 3 भाग हो रहा है लगभग, है ना, तो आधा से भी कम है, इसलिए हम लोग इसे 325 नहीं बोल सकते हैं, बोलना होगा दशमलव के बाद 325। ये दशमलव संख्याओं को पढ़ने का तरीका हुआ। अब ये दशमलव संख्या को जोड़ना है, दशमलव संख्याओं का जोड़ हम लोग कैसे बनाते हैं, दशमलव संख्याओं का जोड़ हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका लिखने का टेक्निक क्या है। तो सबसे पहले 213.5 इसको लिखना है, इसके बाद इसको लिखना है। इसको कैसे लिखोगे, दशमलव संख्याओं को जब भी जोड़ना होगा तो आप लोगों को ध्यान देना है दशमलव के ठीक नीचे दशमलव होना चाहिए। जैसे 2.35 है तो आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, इसके बाद जो अंक है लिखना है, दशमलव के बाईं ओर 2 है तो दशमलव के बाईं ओर 2 लिखें, दशमलव के दाहिने ओर 3 और 5 है तो 3 और 5 लिख दिए, ठीक है। अब जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर कुछ है तो 5, 5 3, 3 2 ठीक है, ये जुट गया। सेकेंड क्वेश्चन, 525 + 1.25, इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे। अभी मैंने आप लोगों को सिखाया कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिखना है, लेकिन इसमें तो दशमलव है नहीं, नहीं ना है, तो जिस संख्या में दशमलव नहीं रहेगा उसके लिए क्या करना है, 525 और दशमलव के बाद 0, 0 लिख देना है, ठीक है। दशमलव के बाद 0, 0 जब हम लोग लिखते हैं तो इसका वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन जोड़ने में हम लोगों को सुविधा होता है। इसमें जोड़ना क्या है, 1.25, तो 1.25 ये 0.0 जैसा दिखाई दिया, ये हो गया। अब जोड़ना है 5, 2, 5 और 1, 2, 5, यहाँ प्लस का चिन्ह छोड़ दिए थे, ठीक है, इस तरीका से जोड़ोगे तो सही हो रहेगा। आप लोगों को इसी तरीका से दशमलव के जोड़ को बनाना है। किसी भी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत, समझ में आ गया,